त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित विधायक आवास पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गौरी शंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रारंभ किए गए प्रदेश के पहले कार्यक्रम मेरी बेटी मेरा गौरव के तहत चयनित 51 ऐसी बच्चियों को जिन्होंने अपने अभिभावकों को कोरोना काल में खो दिया था, उनके भरण पोषण हेतु निर्धारित की गई प्रत्येक माह की राशि ₹1000 का प्रथम चेक प्रदान किया। आपको बता दें कि इन बच्चियों के खाते में प्रति माह ये ₹1000 की राशि फाउंडेशन के द्वारा भेजी जाएगी। साथ ही इनकी कक्षा 12वीं तक की समस्त पढ़ाई लिखाई का खर्चा फाउंडेशन द्वारा उठाया जाएगा। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि संसार में पैसा तो अनेक लोग कमाते हैं, परंतु पुरुषार्थ से कमाए धन में से इस प्रकार के पवित्र कार्य में धन खर्च करना सबसे पुनीत कार्य है। उन्होंने कहा कि जब मानवता संकट में थी और कोरोना की वैश्विक महामारी ने इन मासूम बच्चियों से इनका सहारा छीन लिया था, तब हर कोई इनके लिए चिंतित था। उस समय गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन आगे आया और इनकी जिम्मेदारी ली है। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है फादर्स डे पर। आज गौरी शंकर निर्मला देवी फाउंडेशन ने 51 बच्चियों को 18 वर्ष की उसकी उम्र तक हर महीने ₹1000 उनकी शिक्षा दीक्षा का सारा प्रबंधन करने का बीड़ा उठाया, इस कार्यक्रम का आगाज किया है। और हम सब लोग वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको आज 5-5 बच्चियां गोद दी गई है। जिन लोगों ने बच्चियों को गोद लिया है वो छाया पिता की भूमिका में, पिता के रूप में जीवन पर्यंत इन बच्चियों से जुड़े रहेंगे। पूरे राजस्थान में ये पहला कार्यक्रम है जो गैर राजनीतिक मंच द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना में जिन्होंने अपने पिता का साया खो दिया, माता का साया खो दिया, उन बच्चों के लालन पालन के लिए हमने प्रारंभ किया है। हमारा ये पुनीत काम, हमारा ये लक्ष्य, हमारी बेटी हमारा गौरव बने। जब तक हमारी बेटी स्वावलंबन होकर पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक हम इन बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। इस अवसर पर फाउंडेशन के ट्रस्टी गौरीशंकर मंडावीवाले ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सत्संगति का बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके जीवन में भी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जैसे सज्जन व गरीब की सोचने वाले संगति सौभाग्य से उन्हें प्राप्त हुई, जिनकी प्रेरणा और सहयोग से वे इस कार्य को कर पाए। इस अवसर पर चूरू पंचायत समिति के प्रधान दीप चंद्राहड़, पूर्व जिला अध्यक्ष वसंत शर्मा, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद आदि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए फाउंडेशन द्वारा की जा रही इस मानवता की सेवा के लिए प्रशंसा की। समय नहीं लेकर के सबसे पहले तो देखिए, दुनिया में पैसे खर्च करने वाले बहुत है, लेकिन उसको प्रेरणा देने वाला व्यक्ति अगर शानदार हो तो जिंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमको ये प्रेरणा देकर के इस कार्य में लगाया था वो है। और इस फाउंडेशन के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं, जो करेंगे भी इस फाउंडेशन के साथ काम करेंगे, इस फाउंडेशन में जो बेटी हम गोद ले रहे हैं, आज फादर्स डे पे हम ये चाहते हैं कि हम पूरे कार्यकाल में हम एक पिता का दायित्व तो इनके साथ निभाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ आज हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। देश और दुनिया में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही योग किया जा रहा है। इसको लेकर हर साल बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी ज्यादा से ज्यादा डिजिटल वर्चुअल मंचों के माध्यम से ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मनोज योगाचार्य के द्वारा भी वर्चुअली योग दिवस सोमवार को प्रातः 7:30 बजे सरकारी प्रोटोकॉल के आधार पर डॉक्टर मनोज योगाचार्य चैनल पर प्रसारित किया जाएगा, जिससे आम जन को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही सुनिए भरतिया अस्पताल के आयुर्वेद फिजिशियन डॉक्टर संजय तवर का 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनता के नाम ये संदेश। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय तंवर, आयुर्वेद फिजिशियन, आप सबको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि कोरोना महामारी की वजह से योग के साथ रहें, घर पर रहें, बी विद योगा बी एट होम की थीम के साथ 21 जून को वर्चुअल माध्यम से मनाया जाना है, कि अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है,
और व्यक्ति भी निरंतर योगाभ्यास कर लंबी व स्वस्थ आयु प्राप्त कर सकता है तथा साथ ही इस दिन से सूर्य भी दक्षिणायन हो जाता है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्तियों की साधना करने का बल मिलने लगता है। अतः प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जुड़ना, और इसके मूल में दो अर्थ माने गए हैं, पहला जुड़ना और दूसरा समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते, समाधि के स्तर को प्राप्त करना मुश्किल होता है। योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है। इसमें मस्तिष्क, शरीर एवं आत्मा एक दूसरे के साथ मिलन होता है, साथ ही मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य कायम होता है और व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने की शक्ति पा सकता है। योग 3 स्तरों पर कार्य करता है। प्रथम, व्यक्ति में स्वास्थ्यवर्धक बनाते हुए उसमें ऊर्जा भरने का कार्य करता है। द्वितीय स्तर में मस्तिष्क के विचारों पर असर डालते हुए हमारे नकारात्मक विचारों, चिंताओं आदि मानसिक विकारों से हमें बाहर निकालता है, तथा तीसरे में मनुष्य समस्त चिंताओं से मुक्त हो स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन जीने की ओर अग्रसर हो जाता है। अतः प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त के समय खाली पेट अथवा खाने के 2 से 3 घंटे पश्चात योग्य गुरु के सानिध्य में हल्के वस्त्र पहनकर साफ एवं स्वच्छ वातावरण में शांत व प्रसन्न मन के साथ हमें योगाभ्यास करना चाहिए। योग कोई प्राचीन मिथक नहीं है, यह वर्तमान की सबसे अमूल्य विरासत है। यह हमारी आज की आवश्यकता है, जो कि भविष्य के स्वास्थ्य का स्थायी स्तंभ है। अतः हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए एवं सभी को योग के लिए प्रेरित करना चाहिए। पुनः आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। देश भर में 7वां योग दिवस सोमवार को योग के साथ घर पर रहो थीम के साथ मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने इस दौरान जिले वासियों से घर पर ही रहकर सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक योगाभ्यास करने का अनुरोध किया है। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सोमवार प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक योगाभ्यास करवाया जाएगा, जिसे विभाग के फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारित कर आम जन को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं मानसून सीजन 2021 के दौरान जिले के सभी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष समारोह एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में 21 जून को सवेरे 10 बजे कलेक्ट्रेट स्थित गांधी प्रतिमा स्थल से इस वृक्षारोपण का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा जिले के समस्त नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जिला मुख्यालय स्थित गायत्री शक्तिपीठ में आज गायत्री जयंती व मां गंगा अवतरण दिवस गायत्री महायज्ञ के साथ मनाया गया। आज के दिन पूरे विश्व में ये दोनों उत्सव गायत्री परिवार के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कोरोना महामारी के कारण सीमित संख्या में साधकों को बुलाया गया व मास्क तथा कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखा गया। वरिष्ठ प्रतिनिधि शांति कुंज राम सिंह राठौड़ हरिद्वार ने यज्ञ का संचालन करवाया व आज के दिवस का महत्व बताया। कार्यक्रम में सत्यनारायण कानोड़िया, मदनलाल जांगिड़, भवनलाल जांगिड़ आदि उपस्थित थे। मैं गायत्री शक्तिपीठ का पुजारी रामलाल शर्मा, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रविवार है, आज गायत्री जयंती भी है, गंगा दशमी भी आज के दिन बड़ा पर्व माना गया है। आज के दिन ही गंगा जी माता का अवतरण हुआ है। महाराजा भागीरथ की तपस्या से स्वर्ग से जो गंगा माता थी, कपिल के श्राप से 60,000 उनके पूर्वज भागीरथ के जो अधोगति में लटके हुए थे, आज के दिन गंगा माता का अवतरण जो है मृत्युलोक में प्रथम बार हुआ और कपिल के श्राप से कल्याण किया, पूर्वजों का कल्याण किया। प्रत्येक देश विदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ये गायत्री पर्व है, गंगा दशमी का पर्व है। आज के दिन स्नान का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि गंगा का उद्गम स्थान है। आज गंगा का उद्गम पर्व है।
वहीं चूरू शहर के प्राचीन गंगा माई मंदिर में भी पुजारी मोहित दीक्षित के सानिध्य में गंगा माता की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की मंगल कामना की गई। पुजारी मोहित ने बताया कि आज के दिन गंगा माता ने पृथ्वी पर आकर मानव उद्धार कर कल्याण किया था, इसलिए आज के दिन गंगा मैया की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर समाज सेवी सुशील बजाज, कैलाश चंद्र नवहाल, विजय कुमार कसेरा आदि मौजूद रहे। मंदिर से पुजारी मोहित दीक्षित गंगा दशहरे का उपलक्ष में पूजा अर्चना की गई और आज के दिन गंगा धरती के ऊपर अवतरित हुई थी। आज के एक महीना पहले गंगा सप्तमी का त्यौहार आता है, तो उस दिन गंगा की विष्णु के चरणों से उत्पत्ति हुई थी और उसके एक महीने बाद आज गंगा दशहरा मनाया जाता है, जिस दिन गंगा धरती के ऊपर शिव के जटाओं से होते हुए आई थी। सरदार शहर के स्थानीय समाज सेवी रामलाल मिश्र व पूर्व पार्षद इंदिरा देवी मिश्र ने भी आज गंगा दशमी के अवसर पर अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित सब्जी मंडी स्थित गंगा माई मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर सवामणि का प्रसाद वितरित किया। इस दौरान मंदिर में फूलों का श्रृंगार कर आचार्य हेमंत शर्मा के सानिध्य में माँ गंगा के मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। मुख्य यजमान रामलाल मिश्र ने बताया कि उक्त मंदिर हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित है, जिसमें आज गंगा दशमी पर विशेष पूजा अर्चना कर विश्व में कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। उक्त धार्मिक आयोजन में गजानंद मिश्र, महेश मिश्र, प्रभाकर चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। द्वारा निर्मित गंगा माई सब्जी मंडी स्थित मंदिर में अन्य माँ गंगा का विजय गंगा दशमी के अवसर पर हमने पूजा अर्चना की और पूरे परिवार सहित हमने ये प्रार्थना की है कि माँ कोविड से शीघ्रता शीघ्र सबको मुक्ति मिले। और हमने आज माँ का फूलों का श्रृंगार किया और माँ की जितनी हमारी बनती सेवा उससे हमने सेवा की है और माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ सबको सुख और शांति प्रदान करे। चूरू शहर के पीएससी नंबर 8 पर आज 18 प्लस वाले 200 युवाओं ने स्लॉट बुकिंग करवाकर कोविड की वैक्सीन लगवाई। पीएससी प्रभारी डॉक्टर सुभाष चंद्र के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने वैक्सीनेशन का कार्य किया। इस अवसर पर समाज सेवी कांग्रेस नेता जमील चौहान, मोहम्मद रफीक, स्वास्थ्य कर्मियों में बसंत व्यास, विनय पांडे आदि मौजूद थे। वहीं रतनगढ़ क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां आज सुबह पड़िहारा सीएससी में वैक्सीन के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, वहीं गोगासर व खुडेरा बड़ा गांव के स्वास्थ्य केंद्रों पर आज शाम तक टीकाकरण का कार्य चला। बीसीएमएचओ हेमंत माटोलिया के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज 3,137 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज के 1,498 एवं द्वितीय डोज के 442 लोग शामिल थे। सरदार शहर के वार्ड संख्या 1 रामनगर बास में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार कस्बे के राजकीय अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सरदारशहर तहसील के गांव बादलिया में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 5 जने घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार बादलिया गांव के खेत में पट्टी व तारबंदी जमीन विवाद को लेकर परिवार में चल रही रंजिश के चलते शनिवार को देर शाम दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मार तो अब बड़ी जी आत्मा इस गई भी कमाई ने वेबर को पट्टी ना पड़ो गए थे पट्टी उस में पट्टी रोपी को नहीं तो हमारी पट्टी पीछे ऐसी खाली हो लगी थी
रब बोले मैं तो ले रबी सब बोल बातचीत कोई पुरानी रंजिश है कोई आपसे जमीन को जोड़ है जमीन में जोड़े हमारी जमीन मार पिटी पड़ ली जाए मार जाएगा ये लगे सारे में ताऊ है बेटा। हाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य व चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया ने आज अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आयोजित प्रेस वार्ता में महनसरिया ने युवाओं के आशा की किरण सचिन पायलट के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला द्वारा दिए गए बयानों की पुरजोर शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा 2018 का चुनाव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में व अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मार्गदर्शन में लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप आम चुनाव में कांग्रेस की 101 सीटें आई। बावजूद इसके खंडेला द्वारा पायलट के खिलाफ बोलना शोभा नहीं देता। इस अवसर पर पार्षद रामेश्वर नायक, पार्षद हाजी अली मोहम्मद भाटी आदि मौजूद थे। हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक नेता युवाओं के मसीहा, किसानों के मसीहा, सबके चहेते पूरे देश में जिनका नाम है आदरणीय श्री सचिन जी पायलट साहब, उनके खिलाफ अभी दो दिन पहले जिसने कांग्रेस से बगावत की है उसने कहा पायलट साहब स्वयं चुनाव हार गए और उन जरूर बातें कही। महादेव सिंह खंडेला जो सीकर के पूर्व विधायक भी रहे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं, तो उनकी मैं पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूँ उनकी स्टेटमेंट की कि उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। हमेशा उनका ही ठेका नहीं है, अब की बार उनके समाज के दूसरे व्यक्ति को टिकट मिल गई विधानसभा की और उन्होंने उसके साथ विश्वासघात करके चुनाव सब लड़के उसको हरा दिया। वो पायलट साहब के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसके लिए उसकी समझ में बात नहीं है। उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं कि खंडेला साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सचिन पायलट एक ऐसे नेता है तो जो 2013 में कांग्रेस की सरकार चली गई थी और मात्र 21 सीटों पे कांग्रेस का राज रहा था, 21 सीटों पे सारे नेता सत्ते में आ गए थे, राज से चिकित रह गए थे और कांग्रेस का नाम लेना बंद कर दिया था लोगों ने। उस टाइम सचिन पायलट ने एक साल के अंतराल में चार भाजपा के चुनाव हुए, चार सीटों पर जीती हुई थी विधायकों की, वहाँ उपचुनाव हुए, उनमें तीन में कांग्रेस जबरदस्त बहुमत से जीती। ये सचिन पायलट की देन थी। उसके बाद में सचिन पायलट पीछे मुड़के नहीं देखे, रोज आए दिन कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र उन्होंने पाँच साल के समय छोड़ा जहाँ पाँच पाँच बार, सात सात बार, दस दस बार वो नहीं गए। रोज धरना प्रदर्शन, रैलियाँ, पथ पद यात्रा, रोड शो, धरना, जेल जाना, लाठी हाना, भूखे पैसे देकर उन्होंने मेहनत की और 2018 में 100 सीटों पर लाकर उन्होंने राज करा दिया। आज हम अलवर में गए हैं, वो आप और हम सब देख रहे हैं अलवर जा रस्ते में पूरा अलवर उनके लिए स्वागत के लिए तत्पर तैयार हो गया है। परसों उत्तराखंड गए थे वहाँ भी जनता खुशी मजा आ रही है। तो पायलट में जादू है, ताकत है, युवाओं की पहचान करता है वो। इसलिए माधव सिंह जी खंडेला से मैं आग्रह करता हूँ और उनके जो बयानों की है निंदा करता हूँ पुरजोर शब्दों में कि आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। राजल देसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से कस्बे के भामाशहर ग्रेट व्हाइट कंपनी के चेयरमैन कैलाश डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से रतनगढ़ में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता अमर सिंह मीणा को N95 मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए। इस अवसर पर युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, संरक्षक रमेश सारस्वत, मंत्री मदन दाधीच आदि सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सहायक अभियंता अमर सिंह मीणा ने कहा कि राजल देसर युवा विकास समिति द्वारा लगातार राजल देसर ही नहीं अपितु पूरे जिले में इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जितने कार्य किए गए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस अवसर पर जलदाय विभाग के अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। आज श्री कैलाश जी डिडवानिया द्वारा भामाशाह हैं जो कि राजल देसर से संबंध रखते हैं, परियोजना खंड रतनगढ़ में अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर के अंदर
जितने भी पंप ड्राइवर, कर्मचारी, स्टाफ, तकनीकी, नॉन टेक्निकल सारे स्टाफों को इस कोरोना महामारी वैश्विक टाइम में इनके द्वारा मास्क वितरण किया गया, जो कि बहुत सराहनीय कार्य है और अच्छा कार्य किया। और राजलदेसर युवा विकास समिति भी उनके सहयोग से, सामंजस्य से, दोनों के संयुक्त तो एक उपक्रम चला रखा है जो जनहित के कार्य किए जाते हैं, जैसे मास्क वितरण करना और जो भी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोरोना महामारी। सरदारशहर के माहेश्वरी भवन में आज माहेश्वरी ट्रस्ट के तत्वावधान में महिला मंडल एवं युवा संगठन द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 135 पंजीकृत लोगों में से 108 लोगों द्वारा रक्त का दान किया गया। चूरू के भरतिया हॉस्पिटल की टीम के द्वारा ये शिविर कार्य पूर्ण किया गया। इस दौरान अध्यक्ष पूसराज करणानी, मंत्री चंपालाल मणिहार, खेतूलाल डागा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा सहयोग दिया। महेश्वरी महिला मंडल एवं युवा संगठन के तरफ से और महेश्वरी ट्रस्ट के तत्वाधान में यह आयोजन हम लोगों ने किया है। इसमें ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी ये कार्यभार संभाल रहे हैं। युवा संगठन ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है हमारा। उन्होंने पूरा जितना भी ब्लड डोनर वगैरह ढूंढना करना सारा काम उन्होंने संभाला। कम से कम लगभग 80-90 के अंडर 100 तो आ चुके हैं और अभी हमारा कार्यक्रम 2 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। आते भी जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी का सहयोग मिल रहा है और सभी डोनर का हम धन्यवाद कर रहे हैं। अभी क्योंकि इस कोरोना महामारी में ब्लड और ऑक्सीजन के बिना हमारे बहुत सारे अपने छोड़ के चले गए, तो इसी की महत्ता को देखते हुए हमने ये छोटा सा प्रयास किया है और जो लग रहा है कि हमारा सफल हो जाएगा। इस तरह के सामाजिक कार्य हमारे होते रहते हैं और हम ऐसे पुण्य कार्य करते रहते हैं और हमारा इसका युवा संगठन का और महेश्वरी ट्रस्ट का सहयोग मिलता रहता है, इससे हमारा हौसला बुलंद भी हुआ है और हम ऐसे कार्य करते रहेंगे। सामाजिक कार्य दिवस पर्यावरण महिला मंडल ने जैसे परिंदे लगाना, पौधे रोपण का भी काम किया था, नंदीशाला में गायों को तरबूज वगैरह खिलाना, ये भी काम किया थे। समय समय पर महेश्वरी महिला मंडल महेश्वरी ट्रस्ट के तत्वाधान में ये कार्य करती रहती है। राजकीय डीबी जनरल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एफएच गोरी ने कहा कि आज का अभियान वैक्सीन का डोज ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने के लिए रखा गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए स्टाफ को प्रिपेयर किया गया है, वह ट्रेनिंग दी जा रही है। नमस्ते, मैं डॉक्टर एफएच गोरी, पीएमओ एंड सुप्रिंट अस्पताल चूरू। आज का अभियान वैक्सीन बचाने का, वैक्सीन की डोज ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने के लिए रखा गया है। आज हमने स्टाफ को उसके लिए ट्रेंड किया है। एक वायल में एक एक्स्ट्रा डोज संभव है। अगर बड़े ही किफायत तरीके से लगाई जाए तो 10 के बदले 11 जनों को डोज लग सकती है। स्टाफ को इस बात के लिए आज विशेष रूप से ट्रेंड किया गया है और हमारा प्रयास है कि अगर हम एक वायल के पीछे एक या 0.75 भी डोज एक्स्ट्रा बचा कर उनको कैसे बचा कर कैसे लगाई जाए, वो तरीके भी आज स्टाफ को, एएनएम्स को, जो भरतिया अस्पताल में वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें ट्रेंड करके हमने एक्स्ट्रा डोजे उपलब्ध उसी में से डोज में से बचा कर लगाने की ट्रेनिंग दी है। आशा करते हैं कि चूरू अब बहुत सेविंग स्थिति में रहेगा और एक्स्ट्रा डोज सेविंग में आगे रहेगा। धन्यवाद। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की छापड़ नगर पालिका में लंबे समय से रिक्त चल रहे नगर पालिका ईओ पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर विधायक अभिनेश मेहरसी ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को एक पत्र लिखा है। मेहरसी द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ की छापड़ नगर पालिका में लंबे समय से ईओ का पद रिक्त होने से कस्बे के वार्डों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, सफाई कार्य, सड़क व नाली मरम्मत जैसे कार्यों के वार्षिक टेंडर नहीं हो पाए हैं तथा सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजलदेसर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिवस श्रीनाथ नगर गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर मनाया तथा उनके उज्जवल भविष्य व दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता एडवोकेट गोविंद सिंह कठोर, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश घिंटाला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद बर्डिया सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी का जन्म दिवस श्री नाथ नगर गौशाला में गायों को गुड़ देकर मनाया। हम
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी के दीर्घायु व उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर हमारे साथ राजलदेसर नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी घंटाला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री खेमचंद जी बरेडिया, श्री भुवनेश्वर जी शर्मा, अमजद जी, रिजवान जी सहित कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता उपस्थित थे। भीषण गर्मी के इस दौर में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने आज रतनगढ़ के देहात कांग्रेस कार्यालय में हुई जन सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के समक्ष अपनी व्यथा रखी। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने गोदारा को बताया कि गांव टीडिया सर में पिछले 15 दिनों से ट्यूबवेल खराब है, वहीं दाऊद सर, बशारा, सीध सर में भी पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिस पर गोदारा ने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान शीघ्र करवाने के लिए कहा। इस दौरान पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, राजेश रूलानिया, सुरेंद्र हुड्डा सहित कई लोग उपस्थित थे। भादरा के अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेड़ी में 20 दिनों से रह रहे मानसिक दिव्यांग बुजुर्ग रघुवीर निवासी पुर्री हरियाणा, जो कि अपने घर से एक माह से लापता था, आश्रम संचालक सतपाल बरोड़ ने सोशल मीडिया पर रघुवीर की एक पोस्ट डाली ताकि वह अपने परिवार से मिल सके। पोस्ट बुजुर्ग के परिजनों तक पहुंची और उनको लेने वे रविवार को आश्रम में पहुंच गए। संचालक बरोड़ ने लिखित कार्रवाई कर बुजुर्ग को उनके घर वालों को सौंप दिया। मैं सतपाल बरोड़, अनाथ आश्रम गोगामेड़ी से, आज अपने पास ये रघुवीर 20 दिन से अनाथ आश्रम में रह रहा है। ये पंडूरी गांव जिला पानीपत हरियाणा से है। इसको हमने फेसबुक पे डाला, लाइव किया, इनके घर वालों तक इसकी सूचना पहुंची और आज इनका ये पुत्र विकी इनको लेने के लिए आश्रम में पहुंचा है। तो हम इनको बाइज्जत है सम्मान इनके साथ इनके घर विदा कर रहे हैं। तो भगवान से हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी नौबत इनके साथ ना आए। आदर्श विद्या मंदिर चूरू के प्रधानाचार्य व क्रीड़ा भारती योजना विभाग के संयोजक शरद कुमार शर्मा ने बताया है कि स्वदेशी जागरण मंच ने पेटेंट मुक्त वैक्सीन और दवाओं के लिए 20 जून 2021 को जागृति दिवस के रूप में घोषित किया है। इस मौके पर देश के कोने कोने और दुनिया के बाकी हिस्सों में 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने चूरू नगर में पेटेंट मुक्त वैक्सीन का समर्थन करते हुए कार्यक्रम में भाग लिया। जागरण मंच चूरू द्वारा आज 20 जून को पेटेंट मुक्त वैक्सीन व दवाओं के लिए विश्व जागृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मैं आज अपने आप को सम्मिलित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं और यही आग्रह करता हूं कि मानवता की यही पुकार, पहले जीवन फिर व्यापार। सरदारशहर में आज शैक्षिक कर्मयोगी पंडित ब्रजमोहन लाटा की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में पंडित बालकृष्ण कौशिक ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गुरुजी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा के जीवंत उदाहरण थे, जो संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के संपोषक थे। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र राकावत, प्रोफेसर योगेश्वर शर्मा, वैद्य बजरंगलाल सोनी सहित उपस्थित लोगों ने लाटा के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रतनगढ़ के चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में आशी गोड़ ब्राह्मण युवक संघ द्वारा कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। संघ के अध्यक्ष नीलेश कुमार इंदौरिया ने इस कोरोना काल के दौरान संपूर्ण राष्ट्र में हुई मानव क्षति को कभी न भरने वाली क्षति बताया। अरविंद मिश्रा ने अपनी कविता के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में निर्मल हरित, ओम प्रकाश पुजारी, अनिल आत्रे सहित अनेक युवा उपस्थित थे।